तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में और जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इन सारे मतलब डाटा टाइप्स के बारे में कवर कर लिया था तो जो भी इंसान नया है तो प्लीज आई बटन के ऊपर चले जाओ वहां ट्यूटोरियल मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी ट्यूटोरियल की लिंक मिल जाएगी ठीक है तो सबसे पहले उस ट्यूटोरियल को देखो उसके बाद यहाँ पे आना ठीक तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था इन सारी चीज़ों के बारे में ठीक और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं एक गेम के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल करके बताऊंगा कि डिवर्ड की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है पर वो सब चीजें मैं अभी करने तो वाला हूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कराने के मकसद से यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी को क्रिएट किया है और मैं इस स्टोरी को आप लोगों को सुनाना चाहूंगा ताकि मतलब ये जो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक लग रहा है ये आपको आराम से मतलब हजम हो जाए खा लो आराम से इसको ठीक है तो बहुत ही सिंपल से चीज है मैंने देखिए इसमें से जो जो मतलब एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिवर्ड हो गया ड क्या कहते हैं डीवर्ड हो गया वर्ड हो गया और ये बाइट्स और बाइटर्ड ये सारी एक ही फैमिली के हैं ये सारे सिंपल नंबर्स में काम करते हैं फ्लोट और डबल दूसरी फैमिली के हैं ये पॉइंट वाले नंबर में काम करते हैं और एक्स और तो भाई कुछ अलग ही प्रजाति का है तो मैं फ्लोट और डबल को दूसरी वीडियो में कवर कर लूंगा अभी मैं एक फैमिली के ऊपर हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखिए स्टोरी कैसी है पापा और उनके तीन बेटे हैं ठीक है तो इसमें खाली आपको इतना याद रखना है कि जो घर के मेन मुखिया हैं वो हैं पापा हमारे वो है क्यूवर्ड जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ी है मतलब आप जानते हो अगर आपके घर में पापा हैं आपके उनकी पावर तो भाई सबसे ज़्यादा होती है ठीक है अब मम्मी उम्मी मैंने यहाँ नहीं लिया है ठीक है पापा की पावर ज़्यादा होती है ये आप लोग जानते हो ये बिल्कुल सिंपल सा है फिर हमारा क्या आता है वर्ड जो कि बड़ा भाई है आप लोग जानते हो अगर आप छोटे भाई हो तो आपसे जो बड़ा भाई है उसकी भाई बहुत ज्यादा है उसकी पावर ज्यादा है उसके घर में शायद ज्यादा सुनी जाती हो तो जो भी है वो आपसे बड़ा है मतलब वो आपसे पावरफुल है ठीक उसके बाद हमारा आता है वर्ड्स जो कि बीच वाला भाई होता है सबसे छोटा वाला तो भी बाइट्स में है पर बड़े वाले से थोड़ी सी कम पावर होती है किसकी मिडिल वाले की मतलब बीच वाले भाई की बड़े वाले भाई ने जो मिडिल वाले से बोला मिडिल वाले को मानना पड़ता है मतलब बीच के भाई को मानना ही पड़ता है अगर तीन भाई हैं आपके घर में तो आप इसको रिलेट कर सकते हो ठीक है फिर आता है स्मॉल भाई मतलब सबसे छोटा जो भी है उसकी पावर यार बहुत ही कम होती है बेचारे को सबके ताने सुनने पड़े जाते हैं पर अगर वो मदद मांगे बड़े भाई से पापा से बीच वाले भाई से तो सब उसकी मदद करते हैं ठीक है आपको इनकी इतना देखो आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही कि मैं क्या समझा रहा हूँ तो आप लोग पहली वीडियो जरूर देखना आपको समझ में आ जाएगा और अभी मैं अच्छे से और क्लियर कर दूंगा सो चिंता करने की नहीं बात है क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाने ना ठीक है तो मैंने आप लोगों को जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो डीवर्ड है इसकी देखिए रेंज कहां से कहां तक है यहां से यहां तक की रेंज है पर ये रेंज हम लोग एग्जैक्ट गेम के अंदर कैसे यूज करने वाले हैं ठीक है थीके? ये चीज हम लोग पहले देख लेते हैं तो मैं यहाँ डीवर्ड है और डीवर्ड की ये जो रेंज है ना मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूँ क्या है फोर टू नाइन देखिए मैं यहां पे खाली एक ही रेंज लिख रहा हूं नाइन सिक्स सेवन टू नाइन फाइव ठीक है ये डिवर्ड की रेंज है प्लस में और ये डिवर्ड की रेंज है माइनस में अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये प्लस में क्या होगा माइनस में क्या होगा ये वाला सिंबल मैं फिर से बता दे रहा हूँ ये कोई माइनस का सिंबल नहीं है माइनस का सिंबल यहाँ पे है। ये सिर्फ डिनोट कर रहा है कि ये नंबर अलग है ये नंबर अलग है तो ये क्लियर रखिएगा अपने माइंड में ठीक है आइए हम लोग शुरू करते हैं ओके ये कट कैसे होगा हम्म कट हो गया चलिए तो इसको देखिए इसके ऊपर ट्रीटमेंट लेने के लिए इसका एग्जाम्पल लेने के लिए मैं सबसे सिंपल गेम लेने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ मतलब इसके मतलब रेंज को समझाना है तो बहुत ही सिंपल गेम हिल क्लाइम रेसिंग बिल्कुल सिंपल और ये गेम हमारा स्टार्ट हो रहा है ठीक है जब भी स्टार्ट हो जाएगा तब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे अपने गेम गार्डियन से और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे चीजें हैं ठीक है थीके? ओके okay, मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ ओके यहाँ पे कुछ यहाँ पे पहले से ही कॉइन है तो मैं इन क्वाइंस को पहले हटा देता हूँ मुझे ये क्वाइंस की जरूरत नहीं है ओके okay, ये टू सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट हो गया मैं अभी क्यों हटा रहा हूँ ये चीज मैं बताऊंगा क्योंकि देखिए ज्यादा क्वाइंस होंगे वहां पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा मैं जीरो से लेकर शुरुआत करूंगा ताकि आप लोगों को सब कुछ एकदम क्लियर रहे और ज्यादा दिमाग में गचपच ना फैले आपके ठीक है ओके ये गेम हमारा स्टार्ट हो जाए यहाँ से और मैं गेम गार्डियन में चला जाता हूँ हिल क्लाइम रेसिंग आ गया है इसको हम लोग यहाँ सेलेक्ट प्रोसेस कर लेंगे ठीक और उसके बाद हम लोग यहाँ सर्च के ऑप्शन पे भी जाने वाले हैं तो आइए हम लोग देखते हैं अब मैंने आपको बताया था कि डीवर्ड का मतलब क्या होता है सिंपल नंबर डीवर्ड का क्या मतलब होता है सिंपल नंबर अब सिंपल नंबर में आपका फोन नंबर भी आ सकता है आपका फोन नंबर कुछ भी हो वो सारा नंबर सिंपल नंबर में आता है जो पॉइंट्स में होते हैं वो फ्लोट होते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सब क्लियर कर दिया था आई होप कि आप वो देखे हो तो आइए शुरू करें हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखिए अभी कॉइन मेरे पास जीरो है ठीक है तो मैं सबसे पहले एक दो कॉइन यहाँ पे कलेक्ट कर ले रहा हूं ओके यहाँ पे देखिए मेरे पास थर्टी फाइव क्वन हो गया अब ओके इतना आपको समझ में आ गया थर्टी फाइव क्वाइन है मेरे पास तो अब मैं सबसे पहले जाता हूं और आप मुझे बताओ अब वहां पे कॉइन थर्टी फाइव है तो यहाँ पे चलिए वैल्यू मैंने कितनी लिखी थर्टी फाइव थर्टी फाइव वैल्यू लिख दी अब ये जो टाइप्स है इसमें आप कौन सा टाइप लगाने वाले हो मुझे इतना बताओ आप इसमें डीवर्ड लगा के थर्टी फाइव को सर्च करोगे या फिर आप लोग वर्ड लगा के सर्च करोगे या फिर बाइट लगा के सर्च करोगे या क्यू वर्ड लगा के, के सर्च करोगे चलो बताओ ठीक है आपने जो भी बोला हो मुझे अभी अंदाजा नहीं हो रहा है पर मैं आपको स्टार्टिंग करवा रहा हूं सबसे छोटे से बाइट से देखिए मैं सबसे छोटे से करा रहा हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है स्मॉल ब्रदर बाइट्स और इसकी रेंज मैं बताऊंगा फिर मिडिल पे आएंगे फिर बिग फिर पापा के ऊपर ठीक है तो स्मॉल ब्रदर की रेंज कहा से कहां तक है ये हम लोग देख लेते हैं तो इसकी रेंज सबसे ज्यादा है 255 तक पर क्या स्मॉल ब्रदर की मदद से हम लोग इसको ढूंढ सकते हैं वैल्यू को आइए देखते हैं मैंने यहाँ बाइट सेलेक्ट कर दिया है और 35 फाइव यहाँ लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूं सर्च और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे ये यह काफी सारी वैल्यूज को फाउंड कर रहा है इसका मतलब इसको काफी चीजें तो मिल रही है यहाँ पे ठीक है इसको अभी मिल जाने देते हैं और जैसे ये पूरा भी बस ये खत्म ही होने वाला है ओके ये खत्म हो गया आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हो गया है एक सौ पांच एक सौ पांच इसकी वैल्यू हो गई है ठीक है ध्यान रखिएगा कितनी हो गई है एक सौ पांच और यहाँ एक्सौ पांच वैल्यू हो गई और हमारा ये जो बाइट वाला सेक्शन है ये दो सौ पचपन वैल्यू तक ही ले सकता है ठीक है तो एक सौ पांच हो गई है अब इसको मैं रिफाइन कर दे रहा हूं और ये देखिए चार यहाँ पे चार मिले हैं फाउंड यहाँ पे देखिए फोर मिला है और यहाँ पे देखिए एक सौ पांच आगे तीन और ये एक है फालतू की पर मैं इसको भी हटाऊंगा नहीं मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये बेकार वैल्यू होती इनको हटाया क्यों जाता है ये सब चीजें अभी बिल्कुल माइंड में ना लीजिए अभी चार वैल्यू मिली है चारों पे देखिए ऑटोमेटिक टिक है कोई प्रॉब्लम नहीं टिक है अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखिए मेरे थ्री ऑप्शन में यहाँ पे थ्री लाइन के ऊपर मैं जाऊँगा ना तो यहाँ पे एडिट सेलेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है अगर आप लोगों में थ्री लाइन पे एडिट सेलेक्टेड का ऑप्शन नहीं आता है तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे ढूंढोगे यहाँ पे ये देखिए पेन का एक ऑप्शन इस टाइप से आ रहा है ना ये पेन का ऑप्शन देखिए इसे एडिट सेलेक्टेड कहते हैं ये ऑप्शन तब काम आता है जो ये देखो टिक जितने भी लगे हैं ना ये टिक सारे टिक वाले ऑप्शंस को सबको एक साथ ये चेंज कर सकता है वैल्यू मतलब जैसे अगर मैंने ये टिक हटा दिया इसके ऊपर से तो सिर्फ अब इन्हीं तीन की वैल्यू चेंज कर पाऊंगा पर मैं ये टिक लगा रहने दूंगा तो सबकी वैल्यू चेंज कर पाऊंगा तो यहाँ पे मैंने टिक पे क्लिक कर दिया अब ये पूछ रहा है कि ये देखो चार एड्रेस जो सेलेक्टेड है इनको कितना चेंज करना चाहते हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग बाइट्स में चल रहे थे ना बाइट्स को मैं लगा के चल रहा था तो दो तक ही मैं खाली चेंज कर सकता हूँ अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे 255 की जगह 256 लिख देता हूँ सिर्फ एक आगे रखता हूँ और यहाँ से यस करता हूँ तो देखिए क्या होता है मैं यस करूंगा देखिए तो नंबर दो आउट ऑफ पॉसिबल रेंज तो ये बता रहा है कि दो भाई मेरी औकात से बाहर है मैं बहुत छोटा बच्चा हूं मैं इतनी मेरी हद है ही नहीं मैं इतना काम नहीं कर सकता प्लीज मुझसे इतना काम मत करो तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है तुम इतना नहीं कर सकते कोई बात नहीं मेरे दोस्त तुम्हारी जो आखिरी रेंज है वो दो ही है ठीक है तो मैं दो सौ पचपन ही खाली रख दे रहा हूँ और यस कर दे रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कुछ अजीब सा हो गया यहाँ पे आइए यहाँ पे हम लोग चलते हैं रिज्यूम के ऊपर और देखते हैं कि ओके तीन सौ पचपन हो गया सीधे अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया यहाँ पे सिक्के भी सौ वाले कलेक्ट हो रहे हैं ठीक है तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है अब मान लीजिए ये देखिए पांच सौ दस हो गया तो पांच सौ दस फिलहाल तो इसकी रेंज से ही बाहर है अब पांच सौ दस हम लोग इसके ऊपर सर्च भी नहीं कर सकते दिखाऊं मैं कैसे देखो सिक्स नाइनटी फाइव है ना अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं और वापस से इसके ऊपर सर्च करना हूँ नाइन फाइव और यहाँ पे बाइट्स में अगर मैं सिक्स नाइन फाइव सर्च करता हूँ तो देखो क्या होता है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ रिफाइन अच्छा आ रहा है न्यू सर्च करते हैं हम लोग तो ये देखिए क्या बोल रहा है सिक्स नाइन फाइव भाई मेरी औका बाहर है सिक्स नाइन फाइव मैं सर्च ही नहीं कर सकता हूँ ठीक है आप लोग मतलब देखो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है अगर देखिए थोड़ा सा भी नहीं हो रहा तो भी प्रॉब्लम ना लीजिएगा अभी आगे वीडियोस आते रहेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या इसकी औकात से बाहर हो गया सिक्स नाइन फाइव भी नहीं सर्च कर सकता तो अब ये जो सिक्स नाइन फाइव नंबर थोड़ा बड़ा है तो इसको सर्च करने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे टाइप पे क्लिक कर देता हूँ और मुझे चलो अब बताओ कि सिक्स को कौन सर्च कर सकता है बाइट्स की औकात से बाहर हो गया सिक्स ठीक है तो अब कौन सर्च करेगा और कौन चेंज करेगा आइए हम लोग अपने ग्राफ पे चल जाते हैं मतलब ग्राफ है छोटा सा यहाँ पे क्या है जब छोटे भाई की हद से बाहर हो जाए तो बड़ा भाई मतलब बीच वाला भाई आ जाता है जिसका नाम है वर्ड्स अब भाई बड़े भाई की रेंज कितनी है यहां पे देख सकते हैं आप लोग पैंसठ हजार है इनकी तो बहुत रेंज है इनके ऊपर हम लोग ऐसे टिक कर दे रहे हैं सिक्स नाइन फाइव हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं न्यू सर्च यहाँ पे देख सकते हैं देखिए रिफाइन का क्या मतलब होता है यहाँ पे देखिए आपको ये शायद दिख नहीं रहा होगा ये यह एरो यहाँ पे बना हुआ है सिक्स नाइन फाइव यहाँ पे देखिए अभी न्यू सर्च आ गया कोई बात नहीं यहाँ न्यू सर्च हम लोग शुरू करते हैं ठीक है न्यू सर्च सिक्स नाइन फाइव हम लोग करेंगे वर्ड्स लगा के ओके आई होप देखो कंफ्यूज अगर माइंड में हो रहा है ना तुम्हें कंफ्यूजन जरा सा भी हो रहा है कि मैं इधर बटन दबा रहा हूँ उधर बटन दबा रहा हूँ तो चिंता ना करो यार मैं खुद उसी माइंड से समझाता हूं जिस माइंड से तुम लोग समझ सकते हो तो एक वीडियो में नहीं आएगा पर मैं जितनी वीडियोस बनाऊंगा उन सबको देखोगे तो यार तुम लोग गेम गार्डियन के किंग बन जाओगे ठीक है सिक्स नाइन फाइव है हम लोग यहाँ से न्यू सर्च कर लेते हैं और हमारी रेंज कितनी है पैंसठ हजार रेंज है बहुत रेंज है अभी ये माइनस में ना जाओ माइनस का अभी हम लोग बाद में देखेंगे ठीक है खाली प्लस में देखो तो न्यू सर्च में करता हूँ और यहाँ पे देखो काफी सारी वैल्यूज हम लोग को मिलती आ रही है और हो गया कंप्लीट और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं ओके 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 भाई 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 ये पीछे क्यों जा रहा है अरे यार आगे जा दोस्त ओके अब आगे जा रहा है अरे यार ये इसको पता नहीं क्या हो गया यार फ्यूल लो हो गया शायद इस गेम में चलो मैं रिस्टार्ट कर ले रहा हूँ अब देखो यही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यार गेम्स के साथ अब चलो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ पर ये कुछ धीमा क्यों चल रहा है मैं ये नहीं समझ रहा गैस अच्छा ये रहा ओके ये बटनस काम करना बंद कर दिए कीबोर्ड के मेरे तो यहाँ पे कितनी है मेरे पास आठ सौ है अब वापस से मुझे आठ सौ यहाँ सर्च करना पड़ेगा यार आठ सौ में लेके गया और यहाँ से फिर से न्यू सर्च कर रहा हूँ देखो कभी न्यू सर्च उधर आता है कभी इधर आता है इसकी चिंता बिल्कुल ना करना ये सब मैं क्लियर कर दूंगा ठीक है अभी यहां पे पैंसठ हजार रेंज में खाली अभी आज खाली तुम्हारा फोकस रेंज पे होना चाहिए न्यू सर्च किया आठ सौ और यहाँ पे देखो सर्चिंग शुरू हो रही है ठीक है तो सर्च हो गया मैं रिज्यूम करता हूँ और यहाँ से हम लोगों के पास नौ सौ दस हो गया है ठीक अब 910 पे हम लोग चले जाएंगे 910 और यहां से क्या करूंगा अब मैं रिफाइन करूंगा अब रिफाइन क्या होता है सर्च में क्या अंतर आता है ये चीजें भी हम लोग इन फ्यूचर वीडियो में देखेंगे फिलहाल तुम बस आप लोग समझते रहो क्योंकि देखो आज हमारा सिर्फ टॉपिक है रेंज और कुछ नहीं तो अगर दूसरी चीजें ना समझ में आए तो ये समझो कि वो चीजें इसने बताई नहीं है रिफाइन पे गए हम लोगों को सिर्फ एक वैल्यू फाइंड हुई अब एक वैल्यू खाली मिली है, है, इसके टिक किया। अब देखो, ये जो है इसकी रेंज कितनी है पैंसठ हजार खाली रेंज है ठीक है इसकी खाली रेंज कितनी है पैंसठ हजार अगर मैं इसकी रेंज से फिर बाहर लिखता हूँ पैंसठ हजार पांच सौ पैतीस रेंज है अगर मैं इसकी पैंसठ हजार पांच सौ छत्तीस लिख देता हूँ पैंसठ हजार पांच सौ छत्तीस पैंसठ हजार पांच सौ पैंतीस है अगर मैं अब इसको यस करता हूँ यहाँ पे ठीक है एडिट करता हूँ तो ये देखो क्या बताएगा भैया मेरी रेंज से बाहर है इतना मैं नहीं कर सकता इतना मैं नहीं कर पाऊंगा इसको चेंज इतने पैसे मैं नहीं दे सकता तो मैं क्या करूंगा मैं बोलूंगा ठीक है तू खाली मेरे लिए पैंसठ हजार पांच सौ पैंतीस ही चेंज कर दे और मैं यस कर देता हूँ ना तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आइकन आ गया वैसे यहाँ पे चेंज वाला आइकन होना चाहिए पर अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा नौ सो दस है यहाँ पे कुछ और अगर मैं आगे जाता हूँ तो देखिए पैंसठ हजार छह सो अस्सी आ गया ठीक है तो आपको मतलब इतना समझ में आ रहा होगा कि रेंज क्या है रेंज क्या चीज मतलब डिफाइन क्या कर रही है रेंज कि अगर आप लोग सर्च में ये जो रेंज होती है ना ये सब रेंज क्यों किसके लिए डिफाइन करती हैं आप वैल्यू जो सर्च करते हो ना वैल्यू का जो साइज है उस साइज को ये सारी रेंज डिफाइन कर रही होती हैं ठीक है थीके? तो हम लोगों ने अः स्मॉल ब्रदर को देख लिया मिडिल ब्रदर को देख लिया अब हम लोग बिग ब्रदर के ऊपर आते हैं जो कि हमारा डीवर्ड है और ज्यादातर आप लोग गेम्स के अंदर डीवर्ड सर्च को ही देखते हो सब लोग सुविधा के लिए जल्दी से डीवर्ड सर्च कर देते हैं ठीक है थीके? तो डिवर्ट की रेंज अगर आप लोग देखो तो डिवर्ट की रेंज यार बहुत ज्यादा है ठीक है अगर इतनी रेंज, अब तुम लोगों ने बाइट्स और वर्ड्स की रेंज से समझ गए होगे ना कि ये जो लास्ट वाले डिजिट हैं इनसे ज्यादा हम लोग नहीं कर लिख सकते इसमें तो यहाँ पे देखो डिवर्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं तो इसकी रेंज देखो कितनी है अगर मैं सिंपल से इसकी यही पूरी रेंज यहाँ पे उतारता हूँ देखो कितनी है चार दो नौ चार और नौ छे सात और नौ छ सात हो गई रुको रुक जाओ रुक जाओ अभी मैं नहीं कर रहा हूं अभी नहीं कर रहा हूं यहाँ पे देखो यही चीज मैं देखना चाह रहा था आउट ऑफ फ्यूल हो गया मतलब गेम खत्म हो गया है इस गेम को मैं दोबारा शुरू कर लेता हूँ ठीक है इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ से हम लोग एक न्यूज सर्च करेंगे अभी पहले मैं पैंसठ हजार आठ सौ पांच है मेरे पास वैल्यू ठीक है मैं क्या करता हूँ पैंसठ हजार आठ सौ पांच है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा अब तुम बताओ पैंसठ हजार आठ सौ पांच है तो क्या हम लोग उसको बाइट से सर्च कर सकते हैं नहीं क्योंकि बाइट्स की रेंज तो यार दो सौ पचपन ही है तो क्या हम लोग उसको वर्ड से सर्च कर सकते हैं नहीं क्योंकि वर्ड की रेंज तो यार पैसठ यार पांच सौ पैंतीस ही है देख लो इसके औकात से बाहर है अब हम लोग क्या करेंगे बड़े भाई के पास आएंगे डी वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं बड़ा भाई अब बड़े भाई से हम लोग सर्च कर सकते हैं क्योंकि बड़े भाई के पास ताकत ज्यादा है उसके पास रेंज ज्यादा है ना तो मैं यहाँ पे चला गया और हमें सर्च कितना करना था यार मैं यार वैल्यू भूल जाता हूँ सर्च कितना करना था पैंसठ हजार आठ सौ पांच हमें सर्च करना था यहाँ पे बड़े भाई की सहायता ली और पैंसठ हजार आठ सौ पांच यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ से हम लोग करेंगे न्यू सर्च और ये देख सकते हैं दस पंद्रह वैल्यू इसको फाउंड हो गई हैं अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे इसको कट कर दूंगा मैं वापस से एक बार गेम पे आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पे पैंसठ हजार आठ सौ चालीस वैल्यू आ गई है अब हम लोग क्या करेंगे फिर से समझ लो कि सारी वैल्यू को एडिट करना है तो इस वाले आइकन पे अगर ये आइकन यहाँ नहीं दिख रहा तो आपको कहाँ दिखेगा ये आइकन तीन लाइन के अंदर ये तीन लाइन पे क्लिक कर दो ये देखो एडिट सेलेक्टेड इसका नाम होता है तो एडिट सेलेक्टेड पे हम लोग चले जाएंगे पैंसठ हजार आठ सौ चालीस करनी है हमें और एडिट सेलेक्टेड चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो अः पैंसठ हजार आठ सौ चालीस अरे यार पैंसठ हजार आठ सौ चालीस ही लिखा हुआ है यहाँ पे यस कर दो कट करता हूँ थोड़ा सा इसकी वैल्यू करो को कर पैंसठ हजार नौ सो दस हो गया ठीक है पैंसठ हजार नौ सो दस अब यहाँ पे अरे ये देखो खुद ही से चेंज हुआ जा रहा है ये देखो ये देखो अभी यहाँ पे देखो तुमको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ तो चलो खैर समझो नहीं पैंसठ हजार नौ सौ दस है तो यहाँ पे मैं सबको चेंज करूंगा पैंसठ हजार नौ सौ दस और यहाँ पे यस कर दूंगा और यार ये क्या हो रहा है mm. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मुझे मतलब अच्छा हाँ ये सर्च रिफाइन करना था यार पैंसठ हजार नौ सौ दस पैंसठ हजार नौ सौ दस कन्फ्यूज ना होना कन्फ्यूज नहीं होना मैं फिर से बता रहा हूँ कन्फ्यूज नहीं होना रिफाइन करना है मुझे रिफाइन कर देता हूँ और रिफाइन करने पे भी मुझे इतनी वैल्यू मिली है मतलब कि मुझे इन सबको ही सर्च करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे यही जो पेन वाला टूल है इसके ऊपर टिक कर देंगे और अब इसकी औकात से बाहर का नंबर लिखने वाला हूँ तो इसके सबसे पहले डिजिट देख लेता हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस डिजिट है ना चलो ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और दस करके यस करता हूं अरे भाई यार बड़े भाई की रेंज से भी हम लोग बाहर चले गए हैं बहुत ज्यादा नंबर है यार इतना नहीं मैं कर पाऊंगा बड़ा भाई बोल रहा है तो अब हम लोग क्या करते हैं बोलते चलो ठीक है एक डिजिट मैं कट कर दे रहा हूं तब देखते हैं हम लोग यस करते हैं और यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं अब हम लोग देखते हैं रिज्यूम करके कि क्या हमें इतनी बड़ी वैल्यू मिलती भी है कि नहीं ओके यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग काफी सारी वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है ठीक है तो आई होप कि आपको ये बड़े भाई का भी रेंज समझ में आ अब ये जो पापा वाला रेंज है इसको भी हम लोग देख लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं गेम को रिस्टार्ट कर दूंगा और यार काफी सारी वैल्यू होगी इतना लिखना पड़ेगा मुझे मैं इतना लिखना नहीं चाहता हूं मैं क्या कर रहा हूं गेम को यहां से एग्जिट कर देते हैं हम लोग गेम को यहां से मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग जानते हो कि मैं इसका क्लियर डाटा कर दे रहा हूँ ताकि फिर से पैसे जीरो हो जाएं और मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ वैसे मुझे पता है कि इतना समझाते समझाते आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक परसेंट भी ना समझ में आओ पर अगर ऐसा होता भी है कि एक परसेंट भी नहीं समझ में आए तो चिंता की बात नहीं है अभी हम लोग क्या करने वाले हैं आगे के जो ट्यूटोरियल आएंगे उनमें मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा और ज्यादा एक्सप्लेनेशन में आपको और ज्यादा समझ में आएगा तो उसकी चिंता की आप लोग बिल्कुल मतलब चिंता तो बिल्कुल ना करो ठीक है स्टार्ट करते हैं डिक्लाइन कर दिया और यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं और यहाँ से मैं हिल क्लाइंब रेसिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं चलता हूं और यहाँ पे सबसे पहले कुछ सिक्के इकट्ठे किए थर्टी फाइव हो गया अब थर्टी फाइव हो गया और हमें अब किसके बारे में जानना है हमें अपनी जो क्या कहते हैं पैसे हैं ना उनको बहुत ज्यादा बढ़ाना है बहुत ज्यादा क्या मतलब ये जो क्यूवर्ड इतने पैसे हैं ना इतने को हमें बढ़ाना है तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं क्यूवर्ड लगाएंगे क्यूवर्ड लगाया और यहाँ पे सबसे पहले थर्टी फाइव है थर्टी फाइव सर्च करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं फाउंड हो गया कुछ रिजल्ट आ गए हैं अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे कर रहे एक सौ पांच आ गया एक पांच को भी फिर हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं एक्सो पांच और 105 लिखा और रिफाइन कर दे रहा हूं मैं एक वैल्यू आ गई है 105 की ठीक है तो यहाँ एक वैल्यू आने के बाद हम लोग अब क्या करने वाले हैं आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग इसको अब यहां से चेंज करेंगे ये पेंसिल आइकन पे क्लिक किया हम लोगों ने अब चेंज करेंगे पर हम लोग अब कितना चेंज कर सकते हैं यार बहुत ज्यादा कर सकता हूं मैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस नंबर तक चेंज कर सकते हो यार गेम कहीं ना फट जाए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और देखते हैं क्या इतना रेंज आएगा यस करता हूं मैं तो नहीं इनवैलिड नंबर हो रहा है ठीक है तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं इसको मैं कट कर दे रहा हूं एक नंबर कट किया अब देखते हैं रेंज में आ रहा है क्या और ये देखो काफी सारा चेंज हो गया है पर मुझे नहीं लगता कि गेम इतना लंबा नंबर सपोर्ट करता है मैं रिज्यूम कर देता हूँ और देखते हैं ओके okay. मतलब इसकी जहां तक तथा थी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस इसकी रेंज ही दस नंबर तक है उतना बड़ा इसकी रेंज नहीं है तो इसने जितना हो सका चेंज कर लिया ठीक है तो आई होप आपको डाटा टाइप्स के बारे में सब कुछ समझ में आ होगा आज मैंने आपको सिंपल नंबर्स वाले डाटा टाइप समझाया फिर मैं आपको फ्लोट नंबर समझाऊंगा और उसके बाद इंक्रिप्टेड तो आई होप कि आपको वीडियो में मजा आएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में